खबर सोनभद्र से है। उप जिलाधिकारी ने बचाई गाय की जान। रावर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत लोढ़ी स्थित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने एक अज्ञात ट्रक ने गाय को टक्कर मार दिया। गौरतलब है कि जब गाय को ट्रक ने टक्कर मारा उसको थोड़ी ही देर बाद उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र गुजर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी गाड़ी को रोककर गाय के पास बोल्डर रखकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव को फोन किया और पूरी घटना को बताया, लेकिन उसके बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इसके एक घंटे बाद घटनास्थल पर पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश कुशवाहा और उनके साथ पैरा वेट रोशन पहुंचे और गाय का इलाज रोड पर ही करने लगे। उसके बाद उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को फोन कर सूचित किए। फिर उसके बाद नगर पालिका रावर्सगंज के जेसीबी आई और गाय को रावर्सगंज गौशाला में ले गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश कुशवाहा का कहना था कि इस गाय के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, इसका प्लास्टर करना पड़ेगा, जो घाव सूख जाने के बाद इसका प्लास्टर किया जाएगा। एक तरफ योगी सरकार गायों के लिए अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके अभियान पर जनपद सोनभद्र के पशु चिकित्सा अधिकारी पलीताल लगाते दिख रहे हैं। सोनभद्र से हमारे संवाददाता हरिश्चंद्र मौर्य की रिपोर्ट। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, इसको चोट लग गया, हाथी कैसे बचेगा बाबू जी बताइए। हमारे खेत में जाता है तो हम तो हटा देते हैं। अच्छा, हाँ के हटा देते हैं। ये जाइए, पंछी ऐसा चीज है। हाँ। हम तो आदमी है, मगर इसको कैसे नगद होगा? क्या रोज यहाँ ऐसे होता है? हाँ। हमेशा ऐसे यहाँ ऐसे नहीं होता है। हाँ। बाई चांस में तो निगाह खराब होने से होता है। हाँ, निगाह खराब हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। क्या मामला था डॉक्टर साहब यहाँ पे? व्हीकल ने टक्कर मार दी होगी, जिसकी वजह से इसको चोट लग गई है। अब पैर इसका फ्रैक्चर है, बाकी ड्रेसिंग हो गई है और अभी गौशाला केंद्र में चला जाएगा तो हम लोग उसको निरीक्षण करते रहेंगे। उसको कैसे पता चला आप लोगों को घटना जानकारी कैसे हुई? पी एच डी साहब को फोन आया था मेरे पास। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। तत्काल मौके पर आकर उसको जो भी इंजेक्शन की जरूरत थी वो लगा दी है, तुरंत की ड्रेसिंग वगैरह कर दी है। अब आगे भी इसको देखते रहेंगे। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर योगेश कुशवाहा।